हेलो फूडीज, आज हम आए हैं पहलवान कचोरी वाले पे और हमारे साथ है पुजनीत भैया जिनका हेलो हेलो। और अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा चैनल है भूखा सांड, जाइए सर्च करिए, खाने पीने की लजीज चीज़ें मैं अपने चैनल पे दिखाता हूँ। और अंबाला आया हूँ, वोट डालने, अगर आपने वोट नहीं डाला तो आप फटाफट वोट डालाएं। और हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं यहाँ पे हलवाई बाज़ार पहलवान पे। मुझे इनके वर्कर से पता चला कि ये थे सोहन लाल जी जिन्होंने इस काम को शुरू करा था, और ये है इनका एक सिटिंग अरेंजमेंट, और ये जो शॉप का सीन दिखा रहा हूँ ये है इनकी अंदर वाली शॉप जहाँ पर सारा प्रिपेयर करते हैं अपना सारा कचौरी वगैरह, और बाहर वाली शॉप पे बेचते हैं। ये है गरम गरम खौलता हुआ घी, और थोड़ा कैमरा मूव करूँगा तो ये है अंकल जो कि बना रहे हैं हमारी खस्ता कचौरी के लिए पेड़े, इसमें आलू की स्टफिंग। ये बन चुका है पेड़ा, और ये मारी डुबकी। ओहो, मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर दोपहर को 2-3 बजे तक लगातार खस्ता कचौरियाँ बनती रहती है। और ये देखिए, ये है हमारी खस्ता कचौरी जो कि डीप फ्राई करी जा रही है, ये बहुत ही जल्द को टेस्ट करने के लिए मिलेगी। मैं खड़ा हूँ इनकी फ्रंट वाली शॉप के एकदम सामने, और मेरे सामने लगी हुई है इनकी रेट लिस्ट। इनके पास खस्ता, टिक्की, समोसे और गुलाब जामुन सभी 20 रुपये की प्लेट मिलती है, इसमें है 2 पीस। अब अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यहाँ कितना रश होता है, तीनों तरफ से लोग घिरे हुए हैं, सभी वेट कर रहे हैं अपनी बारी की, और यहाँ लगातार पैकिंग हुई जा रही है। मिलेंगे जरूर मिलेंगे जी, क्यों नहीं, इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। चलिए थोड़ी लोकेशन की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा कैमरा मूव करूँगा यहाँ। अगर आप रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं तो ये वाली रोड आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, और एकदम सामने मिलेगा पचरंगा चाट शॉप और मोहन शू, ये बहुत ही फेमस शॉप्स है दोनों, और एकदम उनके ऑपोजिट है ये पहलवान कचौरी। साथ में गली जा रही है, गली के अंदर मेरी पिछले वाली शॉप है, आप देख सकते हैं इतनी क्रिस्पी है बाहर से। अब टाइम है उसको टेस्ट करने का। ये है चटनी, अब सिर्फ इसके साथ टेस्ट करते हैं। ये मुंह में जाके आपको इतना मतलब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और यम्मी लगेगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब इसके साथ सब्जी के साथ ट्राई करते हैं, ये आलू की सब्ज़ी में स्पाइसेस वगैरह डले हुए हैं और जीरा वगैरह। ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ये मतलब ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, नॉर्मल है। मैं आपको कहना चाहूँगा कभी भी अंबाला हो तो ये जरूर ट्राई कर। मैं तो इसे ट्राई कर चुका हूँ, भैया से पूछते हैं कि इन्हें कैसे लगा। मैंने ये 10 साल बाद खाया और मुझे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई, वही ऑलमोस्ट पहले जैसा टेस्ट है। और सबसे बढ़िया चीज़ है, मैं ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह जा चुका हूँ, तो चोरियाँ मैंने बहुत जगह खाई हैं,
इस कचौरी की डिफरेंट चीज़ क्या है? जो इनकी आम की चटनी है वो वैसी चटनी कहीं नहीं मिलती, जहाँ अभी तक मैंने जहाँ जहाँ कचौरी खाई है पूरे हिंदुस्तान में, वैसी चटनी मुझे कहीं नहीं मिली। आलू की सब्ज़ी बहुत माइल्ड है और इसके अंदर जो आलू फिल्ड है वो तो थोड़ा सा स्पाइसी है, तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसालों वाली है या कोई बहुत ऐसी चीज़ है कि जो आपके ज़ुबान पे अजीब सा टेस्ट छोड़ दे। बहुत बढ़िया चीज़ है, किसी भी उम्र का बंदा इसको खाए, इंजॉय करे, बहुत बढ़िया लगेगा।